Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 20th lecture on optimization. The course code is MTH374 and is for Masters of Mathematics students from COMSAT's Institute of Information Technology, Virtual Campus. Right, so it's our 20th lecture. And as usual, a brief recap of what we have done in the last lecture. In the last lecture, we talked about constraint optimization and linear programming. Okay. सो कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात की थी. आपको ये पता है कि कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन अब क्या होती है. अब आपके लिए कोई इशू नहीं है. कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन ऐसा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसके ऊपर कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हों. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद सम कॉन्स्ट्रेंट्स. इक्वालिटी की कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकती हैं, लेस देन इक्वल टू की कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकती हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू की भी कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकती हैं. तो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस तरह के होते हैं. प्रॉफिट फंक्शन हो सकता है, मैक्सिमाइज करना है रेवेन्यूज को, मैक्सिमाइज करना है प्रोडक्शन को, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, मैक्सिमाइज करना है कॉस्ट को, मिनिमाइज करना है. फिर आपने लेट्स से प्रोडक्शन टाइम को मैक्सिमाइज करना है, आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, फिर टाइम को मिनिमाइज करना है प्रोडक्शन का. जो भी आप बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं. आपके पास रॉ मटेरियल कम अवेलेबल है, वर्क फोर्स कम अवेलेबल है, उसी के अंदर रहते हुए आपने अपनी चीज़ों को मैक्सिमाइज करना है. प्रोडक्शन को जो सब कुछ अवेलेबल है वो सब के सब यूज़ होना चाहिए. जितना वीक में मैक्सिमम प्रोडक्शन हम कर सकते हैं उतनी वीक में मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव होनी चाहिए. तो ये हमारे पास बेसिकली कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकती हैं और ऑब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं. अब कॉन्स्ट्रेंट और ऑप्टिमाइजेशन के जो फंक्शंस होते हैं और इनकी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं वो आपको पता है नॉन लीनियर भी हो सकते हैं ना. वेरी आपने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे किए जिसमें पॉलिनोमियल फंक्शंस थे. नॉन पॉलिनोमियल फंक्शंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉज हो सकता है, ये सब के सब नॉन लीनियर फंक्शंस है ना. हम इनमें से एक पर्टिकुलर क्लास, बहुत स्पेशल क्लास ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को ले रहे हैं जिनको हम लीनियर प्रोग्रामिंग में डिस्कस करेंगे. लीनियर प्रोग्रामिंग में कैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर इंक्लूडेड जिनके जो फंक्शन लीनियर है. ठीक है, उसके वेरिएबल की पावर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और मैक्सिमम पावर वन होती है. तो पावर जीरो या वन हो सकती है, ठीक है, वेरिएबल की. तो ऐसे इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस कहते हैं. तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो आपका एक लीनियर फंक्शन होगा. ठीक है, और इसके साथ साथ जितनी भी उसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स अपीयर होंगी वो भी सबके सब लीनियर होंगी. ठीक है, तो ये हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम कैसे होता है. एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जो लीनियर होता है और इसके साथ साथ जितनी भी उसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स होती हैं वो सब भी लीनियर होती हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक इसमें प्रॉब्लम हो गया. अब कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम की हमने बात की. फिर ये प्रॉब्लम कहाँ से अराइज होते हैं, कैसे अपीयर होते हैं, हम इनमें क्यों इंटरेस्टेड हैं, इसकी हमने काफी डिटेल में बात की. पूरा लेक्चर इस चीज के ऊपर स्पेंड किया कि लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं. चार मेजर प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए थे, प्रोडक्शन से रिलेटेड थे. दो तीन प्रॉब्लम्स प्रोडक्शन से रिलेटेड थी. एक में हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना था, एक में प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है प्रोडक्शन ज़्यादा लेनी थी, एक में मशीन्स की कुछ जो स्पेसिफिक लिमिटेशंस थी उनको रहते हुए हमने मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी थी, उनका प्रोडक्शन टाइम मैक्सिमाइज करना था. तो ये तीन प्रॉब्लम्स थे. एक फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट से हमने प्रॉब्लम लिया था कि उसमें आपके पास एक 30 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई एक सर्किट में, उसके साथ आप चार्जिंग कर रहे हैं तीन और बैटरीज की. ठीक है, वो डिफरेंट वोल्टेज थी, 12 वोल्ट की थी एक, शायद 6 वोल्ट की थी एक, 20 वोल्ट की थी, तो उसका आपने एक सर्किट बनाया था. तो आपने मेक श्योर करना है कि पावर जो बैटरीज को मिल रही है वो मैक्सिमम पावर मिले, और आप ये चाह रहे हैं कि बैटरीज डिस्चार्ज ना हो. मैक्सिमम करंट्स जो फ्लो कर सकता है सर्किट्स में वो भी हमें पता था, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए आपने जो बैटरीज को पावर मिल रही है जिनको आप चार्ज कर रहे हैं वो मैक्सिमम होनी चाहिए. और आपने ये भी कहा था कि करंट्स जाहिर है नेगेटिव हो जाएंगे तो वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी बैटरी, तो आपको पॉजिटिव करंट रखना है ताकि वो चार्जिंग हो. तो उसको हमने प्रॉब्लम को देखा, उसके हमने मैथमेटिकल मॉडल बनाया, उससे हमारे पास कुछ चीज़ें आई जिससे हमें पता चला कि ये प्रॉब्लम क्या है, ये सॉल्व कैसे होगा, मतलब इस मैथमेटिकल मॉडल क्या है. फिर उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे. जाहिर आज हमने इसी को आगे थोड़ा लेके चलना है. लीनियर प्रोग्रामिंग की थोड़ी और डिटेल्स हैं वो हम उसकी बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह सॉल्यूशंस की तरफ चलेंगे, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो मेन कोर इसका मेथड है सॉल्यूशन का वो हम करेंगे, और इंशाल्लाह लीनियर प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन हम वेल एंड ट्रूली कंप्लीट कर लेंगे. ओके, सो
थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज हमने क्या करना है, आज हमने लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करनी है थोड़ी सी। फिर दोबारा से लीनियर प्रोग्रामिंग मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम दोबारा दिखा देता हूँ, सॉल्यूशंस की तरफ इसके जाना है। जाहिर है सिर्फ प्रॉब्लम हमारे पास, प्रॉब्लम्स तुम्हारे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेन एम है ना हमारा, तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो इस लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे इसकी बात करें। फिर कॉन्वेक्स सेट्स की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेट हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के, जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उनके वो इन्हीं सेट्स में होते हैं, और इन्हीं वो जितनी भी कॉन्स्टेंट्स होती हैं वो यही सेट्स बनते हैं, इनकी बात करते हैं हम। और फिर एक मेथड ऑफ सॉल्यूशन इसका होता है जिसको हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं, उससे हम देखते हैं इससे हम सॉल्व कर सकते हैं फंक्शंस को, लेकिन इतना प्रिसाइज नहीं है, जाहिर है इतना प्रिसाइज इसलिए नहीं है कि अब वो ग्राफ को देख के आपने इसका सोल्यूशन बताना है कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम कर सकते हैं, लेकिन एक हमारे पास अल्जेब्राइक मेथड भी है, मैथमेटिकल मेथड भी है, जिससे हम बेसिकली इनको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को ज़्यादा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आज के लेक्चर्स की डिटेल है कि ये चीज़ें हम इंशाल्लाह रफली डिस्कस करेंगे जितनी हमारे से हो सके, होपफुली ये सब कम्प्लीट कर लेंगे हम। ओके, सो लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम आपको पता था क्या था, आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपके सामने है, ये लास्ट टाइम भी हमने इसकी बात की थी। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसमें सबके साथ वेरिएबल्स की पावर 1 है। ठीक है, इसके n वेरिएबल्स हैं और उसके साथ n कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन कॉन्स्टेंट्स का हम वेक्टर बना लें, वो उसको c कहें, तो c ट्रांसपोज x इन जनरल मैं इसको लिख सकता हूँ। लास्ट लेक्चर से बहुत डिटेल में हमने इसको करके दिखाया था कैसे होगा। फिर ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इन कॉन्स्टेंट्स को हम मेट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, इस कॉन्स्टेंट को भी हम मेट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सारी की सारी कॉन्स्टेंट्स हैं, लीनियर कॉन्स्टेंट्स हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो हर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूं, तो इन द एंड मेरे पास ये इस तरह की मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी। ठीक है, और इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स के लिए ये मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू की एक डिफरेंट मैट्रिक्स फॉर्म आपके पास बन जाएगी। तो बेसिकली ये हमारे पास बहुत सारी हर जो लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम था उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हर लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जितने भी लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम हैं वो सब के सब ऐसे ही होते हैं, अराइज होते हैं, हमने लिख के बताया लास्ट टाइम जितने हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे उनको हमने इस फॉर्म में भी लिख के देखा कि सब के सब इस फॉर्म में ट्रांसलेट हो जाते हैं। तो इन जनरल मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग का जो प्रॉब्लम है वो इसी तरह का होता है, मिनिमाइज करना होता है या मैक्सिमाइज करना होता है, ये सी ट्रांसपोज एक्स जिसको आप कह रहे हैं उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, और फिर ये आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी हमने बात करनी होती है, ये कॉन्स्टेंट्स उनकी उसके ऊपर होती हैं हमेशा। ठीक है, तो ये आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग का इन जनरल प्रॉब्लम है, लास्ट टाइम हमने इसकी एग्जांपल्स देखी थी, आई एम श्योर इसकी और ज़्यादा डिटेल में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स। ठीक है, स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल क्या हैं, ये मैंने एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम कंसिडर किया हुआ है, ये जो भी मैं मेथड करने जा रहा हूँ ये इन जनरल इक्वेशंस के ऊपर वैलिड है। ठीक है, मैं वो भी शायद लिख दूंगा, लेकिन ये चीज़ इन जनरल इक्वेशंस के ऊपर वैलिड है, मुझे ये इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा आसान होता है। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपका एक फंक्शन है जिसको आपने मिनिमाइज करना है, और ये इसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स हैं, लेस देन की कॉन्स्टेंट्स हैं 3 और एक ग्रेटर देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट है। अब स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स, इसके अंदर मैं कुछ नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके, इसी प्रॉब्लम के अंदर मैं कुछ नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके इन सब इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स को मैं इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स बना सकता हूँ। इसी प्रॉब्लम के अंदर कुछ नए वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करके मैं इन सब इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स को इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स बना कैसे बना सकता हूँ ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन ये वेरिएबल्स मैं चेंज कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, x1 और x2 इनको कह रहा हूँ ताकि थोड़ी कोहेरेंस आ जाए हमारे पास पूरे प्रॉब्लम के अंदर। तो क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे पास मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इन कॉन्स्टेंट्स को, जितनी भी ये कॉन्स्टेंट्स हैं इनको मैं कुछ स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स, कुछ नए डमी वेरिएबल्स आप इनको कह सकते हैं, इंट्रोड्यूस करके हम ये एक्स्ट्रा हैं रिक्वायरमेंट से, इनका कोई मीनिंग नहीं है, स्लैक वेरिएबल्स हैं तो ये डमी वेरिएबल्स हैं, इनको मैं अपने प्रॉब्लम में इंट्रोड्यूस करूंगा और आपकी जो इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स हैं वो इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स में बदल जाएंगे।
अब मेरे पास ये फंक्शन है, इसके अंदर मैंने चार नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए, x3, x4, x5 और x6, ये चार नए वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। इन चार वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ है, मैंने अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें आपको ये पता है ये 4x1 प्लस 5x2 था ना, और फिर मैंने इसमें ऐड किया c3 टाइम्स x3 प्लस c4 टाइम्स x4 प्लस c5 टाइम x5, सॉरी इसमें एक चीज और होनी चाहिए, प्लस c6 टाइम्स x6। ये आपका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब ये जो चार नए वेरिएबल्स मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं, ये किस लिए इंट्रोड्यूस किए हैं, x1 प्लस x2 ये इनइक्वालिटी की कॉन्स्टेंट थी, इनइक्वालिटी की कॉन्स्टेंट में कुछ ऐड करके मैं उसको इक्वालिटी की कॉन्स्टेंट बना सकता हूं। तो ये वो डमी वेरिएबल है जो मैंने इसमें इंट्रोड्यूस किया है, जिससे ये इनइक्वालिटी की कॉन्स्टेंट अब इक्वालिटी की कॉन्स्टेंट बन गई है, ठीक है। इसी तरह ये सेकंड कॉन्स्टेंट थी मेरे पास, ये भी इनइक्वालिटी की थी, एक मैंने इसमें वेरिएबल ऐड कर दिया, ये इक्वालिटी बन गई। इसी तरह यहां पे भी एक वेरिएबल ऐड करूंगा तो इक्वालिटी बन जाएगी। इन द एंड लास्ट वाली ये ग्रेटर देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट थी, ग्रेटर देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट में से कुछ आप माइनस करते हैं तो आपके पास वो कॉन्स्टेंट भी इक्वालिटी कॉन्स्टेंट बन जाती है। तो x6 मैंने उसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको मैंने मिनिमाइज करना है, और कॉन्स्टेंट्स इसके ऊपर मैंने जो लगाई है वो सब के सब इक्वालिटी की कॉन्स्टेंट है। अब इसमें एक मेजर क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये कि अब प्रॉब्लम तो हमने चेंज कर दी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही चेंज हो गया जिसको हम मिनिमाइज कर रहे हैं, तो फिर मतलब प्रॉब्लम तो हमने चेंज कर दिया ना, इसका मतलब है हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो जो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम था उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। वेल अगर तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसा हो जिसमें ये C3, C4, C5, C6 सब वैल्यू जीरो हो जाएं, ये सब की सब वैल्यू जीरो हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम को मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है ना। प्रॉब्लम को मैंने चेंज नहीं किया, ये X3, X4, X5, X6 वेरिएबल एज इट इज रहेंगे, ये डमी वेरिएबल्स हैं, इनके इनका मीनिंग है जाहिर है कि ये इसी से इन्हीं वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करने से ही ये इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स इक्वालिटी बनती हैं, तो ये वेरिएबल्स रहेंगे। लेकिन अगर ये जो इसके कॉस्ट्स हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं C3, C4, C5, C6, ये कॉन्स्टेंट्स या कॉस्ट जो हैं अगर तो ये जीरो हो जाएं, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज नहीं हुआ। ये कंडीशन होनी चाहिए x1, x2, x3, x4, x5, x6 सब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया कॉन्स्टेंट का बात होगी। अब इसमें मैं जो बातें कर रहा हूं वो ये हैं कि इस सारे प्रॉब्लम के ऊपर एक एक्स्ट्रा कंडीशन जरूर होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है, ये जो सी आईज हैं ये सब जीरो होने चाहिए फॉर आई इक्वल टू 3, 4, 5, 6। ये जीरो इसलिए होने चाहिए कि अगर ये जीरो नहीं होंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज हो जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही चेंज हो जाता है तो फिर आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम जो है उसका और इस प्रॉब्लम का आपस में रिलेशन नहीं है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोई और आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो हमने तो उसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना ना, तो इसलिए ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज जो है जीरो होनी चाहिए, लेकिन इस पूरे प्रॉब्लम को एज अ होल कोहेरेंटली कंसिस्टेंटली लिखने के लिए हम वहां पे ये वेरिएबल्स लिखने चाहिए ताकि सब फॉर एग्जाम्पल सी में और एक्स में एक जितने वेरिएबल्स आए, और इसी तरह एक्स जो सेकंड हम यूज कर रहे हैं उसमें और बी में इन सब में एक जितने वेरिएबल्स आए, तो इसको कोहेरेंट करने के लिए ये चीजें हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अब सी आई जो है जीरो होना चाहिए आई इक्वल टू 3, 4, 5, 6। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि ये C3 भी जीरो होना चाहिए, C4 भी, C5 भी, जो इसमें C6 ऐड होगा वो भी जीरो होना चाहिए। तो ये सब की सब वैल्यू जीरो होनी चाहिए, अगर ये वैल्यू जीरो नहीं है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपके लिए मेक श्योर करती है कि स्लैक और सरप्लस वेरिएबल जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेंज नहीं करते, उसको अल्टर नहीं करते, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली मेन बात है। अब ये देखें, अब अगर मैंने सारी इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स को इक्वालिटी कॉन्स्टेंट से चेंज कर दिया, तो इसका मतलब है हर ऑब्जेक्टिव, हर जो मेरे पास लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। हमेशा आपके पास y इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज एक्स होगा, ये तो होता ही है, लेकिन सिर्फ ये कॉन्स्टेंट्स होंगी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये स्मॉल बी है हम यूजली लिखते हैं इसको, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये भी वैक्टर है, ये भी वैक्टर है, ये मेट्रिक्स है, तो सारी इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स का एक ही मैट्रिक्स बन जाएगा और वो आपके पास कॉन्स्टेंट आ जाएगी, ठीक है। तो एक आपके पास फंक्शन होगा वाई इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज एक्स जिसको मैं कह रहा हूँ, और उसके साथ उसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स जो होंगी उन सब को मैंने एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, इक्वालिटी की कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन उसमें जाहिर है वो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स उसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास वे है
कि हम कुछ डमी वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके हर लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स की कॉन्स्टेंट्स को इक्वेलिटी कॉन्स्टेंट्स में चेंज कर सकते हैं. हर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की कॉन्स्टेंट्स को इक्वेलिटी कॉन्स्टेंट्स में चेंज कर सकते हैं. अब जाहिर है ये मैंने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर किया ना, अब आप इसको इन जनरल भी कर सकते हैं. आपके पास कोई जनरल आपके पास फंक्शन है, उसके ऊपर कोई जनरल आप जाहिर है कॉन्स्टेंट्स होंगी, तो उसके लिए अगर करना चाहें तो क्या करेंगे, ये मैं आपके लिए जल्दी से कर देता हूँ, फिर देखते हैं इसमें क्या होता है. ओके, सो इन जनरल करेंगे तो ये हो जाएगा ना, आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो यूजली ये होता है, मैक्सिमाइज करना है लेट्स से या मिनिमाइज करना है, जो भी आप मैक्सिमाइज विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही आप करते हैं यूजली. तो सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स टू प्लस सो ऑन प्लस लेट्स से सी एन और एक्स एन, ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करना है. ठीक है, अब इसको आपने मैक्सिमाइज करना है और कॉन्स्टेंट्स हैं आपके पास लेट्स से कॉन्स्टेंट्स कुछ भी हो सकती हैं, ए वन वन एक्स वन प्लस ए वन टू एक्स टू प्लस सो ऑन प्लस ए वन एन एक्स एन बेबी इक्वल टू लेट्स से बी वन. और एक कॉन्स्टेंट और है लेट्स से ए वन टू एक्स वन प्लस ए सॉरी ए टू वन एक्स वन प्लस ए टू टू एक्स टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए टू एन इज इक्वल टू बी टू, ठीक है. और कुछ लेस देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट एक आध और एक आध ग्रेटर देन इक्वल टू की ए थ्री वन एक्स वन बहुत सारी हो सकती हैं, इनफाइनाइटली फाइनाइटली मैंने बहुत सारी हो सकती हैं, जितनी मर्जी आप रख लें. ए थ्री वन एक्स वन प्लस ए थ्री टू एक्स टू प्लस सो ऑन प्लस ए थ्री एन एक्स एन एक्स एन होना चाहिए यहाँ पे इज लेस देन इक्वल टू बी थ्री लेट्स से, ठीक है. फिर आप कुछ और इसमें कॉन्स्टेंट्स डालें लेकिन मैं लिमिटेड रखता हूँ, ए थ्री लेट्स से ए फोर वन एक्स वन प्लस ए फोर टू एक्स टू प्लस सो ऑन प्लस ए फोर एन एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी फोर. और मैं कहता हूँ बाकी सब भी जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट्स हैं लेट्स से, ठीक है. अब इसको आपने इक्वालिटी कॉन्स्टेंट में कैसे चेंज करना है, एक वेरिएबल इसके लिए कोई वेरिएबल नहीं चाहिए, स्लैक सरप्लस इसके लिए भी कोई नहीं चाहिए, इसके लिए एक चाहिए. इसके लिए आपने इसमें ऐड कर दें लेट्स से एक्स एन प्लस वन, ठीक है. इसमें आप माइनस कर दें इसमें से एक्स एन प्लस टू, ठीक है. अब इसके अलावा अगर और कॉन्स्टेंट्स हैं तो उसके लिए नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे ना. तो आपका जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स टू प्लस सो ऑन प्लस सी एन एक्स एन प्लस आपने इसमें करना है सी एन प्लस वन एक्स एन प्लस वन प्लस सी एन प्लस टू एक्स एन प्लस टू, ठीक है. ये आपके पास हो जाएगा फंक्शन. अब इसमें कॉन्स्टेंट्स में स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स आ रहे हैं जाहिर है. अब आपने इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है, कुछ इस तरह से आ जाएगा ए वन वन ए वन टू सो ऑन ए वन एन और फिर जीरो और जीरो, ठीक है. यहाँ पे ना एक्स एन प्लस वन है ना एक्स एन प्लस टू है. यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा ए टू वन ए टू टू अप टू सो ऑन ए टू एन जीरो जीरो. फिर क्या आएगा ए थ्री वन ए थ्री टू अप टू सो ऑन ए थ्री एन और वन जीरो, ठीक है. और फिर फाइनल सिर्फ चार ही में अगर लिखूं ए फोर वन ए फोर टू अप टू सो ऑन ए फोर एन और यहाँ पे जीरो माइनस वन, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया. अब इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है जी एक्स वन एक्स टू अप टू सो ऑन एक्स एन एक्स एन प्लस वन एक्स एन प्लस टू और इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू आएगा बी वन बी टू बी थ्री बी फोर लेट्स से, ठीक है. इतनी हम फिलहाल ले रहे हैं कॉन्स्टेंट, तो ये अब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बन गई. अब आपका प्रॉब्लम जो है जाहिर है जो भी आपका प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज करने का लेट्स से मैक्सिमाइज करना है आपने, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही मैक्सिमाइज हो रहा है तो सी ट्रांसपोज एक्स, ठीक है. अब एक्स में वेरिएबल्स कितने हैं, दो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल ऐड हो गए ना, दो डमी वेरिएबल्स. लेकिन इसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स क्या हैं अभी तो हमने लिखी है मैट्रिक्स फॉर्म में, वो क्या है ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है. ये आपका जनरल लीनियर
प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम बन गया, ठीक है। तो आपका जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग का जो प्रॉब्लम है वो अब इस तरह से नजर आएगा। एक आपके पास फंक्शन होगा, उसके ऊपर सब की सब इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स हैं। इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको उनमें आप स्लैक सरप्लस वेरिएबल्स ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें कुछ डमी वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके, जैसे हम लैग्रांज मल्टीप्लायर भी करते थे, तो वो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके आप इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स को इक्वालिटी में चेंज कर लें और आपका जो जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम होगा वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये हमारे पास अब से हम जब भी लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम लिखेंगे वो ऐसे ही लिखेंगे, सी ट्रांसपोज एक्स, और हम कहेंगे इसकी कॉन्स्टेंट्स हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। लेकिन आपको ये साथ में क्लियर होना चाहिए कि इसके ऊपर डमी वेरिएबल्स हैं, इसके ऊपर में कुछ डमी वेरिएबल्स हैं। हम ये नहीं डिमांड कर रहे कि सारी की सारी कॉन्स्टेंट्स इक्वालिटी की हों, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जितनी भी कॉन्स्टेंट्स इक्वालिटी इनइक्वालिटी की जो भी होंगी उन सबको हम इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारी बेसिकली बात है इसमें, सारी इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स होना जरूरी नहीं है लेकिन हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स में, ठीक है। अब जो दो नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए थे ना, उसके लिए कॉन्स्टेंट्स इसके जीरो होना चाहिए। ये जो वेरिएबल्स है ना, इसमें ये जो मैंने लिखा है सी एन प्लस वन और सी एन प्लस टू, ये जीरो होने चाहिए। तो इसकी जाहिर है ये एडिशनल कॉन्स्टेंट होनी चाहिए ना इसमें, कि सी आई इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज इक्वल टू एन प्लस वन एन प्लस टू अप टू सो ऑन, ठीक है। जितनी कॉन्स्टेंट्स हैं बेसिकली, तो जितनी कॉन्स्टेंट्स हैं नॉन इक्वालिटी जिनके अंदर आपको स्लैक वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग का जनरल प्रॉब्लम बन गया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, इसको सॉल्व करना है ना हमने, लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्यूशन का क्या मतलब है इसके, अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, एक आप लीनियर फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं या मिनिमाइज कर रहे हैं सब्जेक्ट टू लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स, फिर आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये लीनियर सिस्टम अगर होगा तो उसके सॉल्यूशंस किस फॉर्म के होते हैं, इसका यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, ये पॉसिबल है कि इसका कोई सॉल्यूशन भी ना हो, ये भी आप पॉसिबल होता है ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। तो ये सारी बातें जो है आपके माइंड में होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन इसको कहते हैं किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। ये देखें, ये y इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज x है और कॉन्स्टेंट्स वही ए एक्स इज इक्वल टू बी, स्मॉल b लिखें या कैपिटल b लिखें, जो भी आपकी मर्जी है। तो कॉन्स्टेंट्स ये हैं और आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है, जिस सी ट्रांसपोज x एक लीनियर फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना, और x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की ज़ाहिर कॉन्स्टेंट्स होती हैं इसके ऊपर यूजली। तो कोई भी वैल्यू x जो इस सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसको कहते हैं ये फिजिबल सॉल्यूशन। अब ये तो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना सिंपल, अगर हम फंक्शन को भूल जाएं, जस्ट जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है उसको भूल जाएं, ये जो आपकी कॉन्स्टेंट्स हैं ये सब इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स हैं, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और उसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे लेट्स से एन अननोन्स में, इसका आप पूरा एनालिसिस कर सकते हैं लीनियर अलजेब्रा से कि आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होंगे और इसका नो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी डिटेल है कि हमारे पास इन तीनों क्राइटेरियंस का हमें पता है। तो एक वैल्यू इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, अक्सर जो प्रॉब्लम्स होते हैं ऑप्टिमाइजेशन के उसमें जब आप सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करेंगे तो उसके आपको पास यूजली इनफाइनाइटली मैनी ऐसे फिजिबल पॉइंट्स मिलेंगे जो उनको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। या ठीक है, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी फिजिबल पॉइंट्स मिलेंगे आपको। तो कोई भी वैल्यू एक्स जो इस सेकेंड इक्वेशन को कॉन्स्टेंट सब कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करती है वो फिजिबल सोल्यूशन होता है, ठीक है। एक्स की कोई भी वैल्यू, वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू जो इन कॉन्स्टेंट सब की सबको सेटिस्फाई करती है वो आपका एक फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब अगर कोई आपके पास ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन हो, ये तो सिर्फ कॉन्स्टेंट्स है ना फिजिबल सॉल्यूशन, कोई ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन हो जो आपके फंक्शन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज भी करता हो और मिनिमाइज भी करता हो, या मिनिमाइज करता हो, मैक्सिमाइज करता हो या मिनिमाइज करता हो, ये जो भी आप उस सिनेरियो में आपकी डिमांड है। तो अगर वो फिजिबल सॉल्यूशन जो कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करता है और ओरिजिनल प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज भी करता है लेट्स से, तो वो आपका होगा मैक्सिमम फिजिबल सॉल्यूशन। और अगर आपको फिजिबल सॉल्यूशन है
जो आपकी कॉन्स्टेंट्स हैं उनका सोल्यूशन है उनको सेटिस्फाई करता है और आपके ओरिजिनल जो प्रॉब्लम है उसको मिनिमाइज भी करता है, तो वो वाला मिनिमम फिजिबल सोल्यूशन होगा। जाहिर है हर मैक्सिमम और मिनिमम फिजिबल सोल्यूशन एक फिजिबल सोल्यूशन तो होगा, लेकिन हर फिजिबल सोल्यूशन जरूरी नहीं है कि इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करे या मिनिमाइज करे, ठीक है। तो किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपने मैक्सिमम या मिनिमम फिजिबल सोल्यूशन डिटरमिन करना होता है ओरिजिनल प्रॉब्लम का। अब एक तो सीधी सी ब्रूट फोर्स अप्रोच है, आप सारे फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढ लें, उनको आपस में कंपेयर कर लें, कौन सा आपके फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू देता है, कौन सा मिनिमम वैल्यू देता है, तो आप इस तरह कर लें। अब देखें, अगर आपके फंक्शन के जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो बहुत थोड़े भी हो ना, क्योंकि ये बाउंडेड एरिया होता है इसके लिए यूजली, तो बहुत थोड़े भी अगर पॉइंट्स हो ना, लेट्स से अगर 50-60 पॉइंट्स नहीं हो, तो उनको भी आपस में कंपेयर करना इतना आसान नहीं है कि सब के ऊपर आप फंक्शंस को कैलकुलेट करें, उसकी वैल्यूज को देखें और फिर देखें कौन सा उसको मैक्सिमाइज कर रहा है, कौन सा उसको मिनिमाइज कर रहा है। तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ये बहुत जल्दी फेल हो जाती है, मे भी छोटे छोटे एक दो प्रॉब्लम्स में चल जाए, उसके बाद ये आपको कुछ कोई ना कोई और वे ढूंढना पड़ता है जिसके थ्रू आप फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। तो फिजिबल सॉल्यूशंस हमने ढूंढने और मैक्सिमम और मिनिमम फिजिबल सॉल्यूशंस ढूंढने, हमने सारे फिजिबल सॉल्यूशंस हमारे इंटरेस्ट के नहीं है ना, क्योंकि अगर मतलब फिजिबल सॉल्यूशन है तो कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लेकिन ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन जो फंक्शन को मैक्सिमाइज भी कर दे या मिनिमाइज भी कर दे, वो वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं। ये जो कॉन्स्टेंट का जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको तो सॉल्व करना हमें लीनियर अलजेब्रा में भी आता था ना, तो ये लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में हम कर लेंगे, लेकिन लीनियर अलजेब्रा के कोर्स से अब हम ऑप्टिमाइजेशन के कोर्स में क्या करेंगे, ऐसे फिजिबल सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे जो मैक्सिमम फिजिबल सॉल्यूशंस हैं या मिनिमम फिजिबल सॉल्यूशंस हैं। फिजिबल सॉल्यूशंस फाइंड करना हमारा एम नहीं होगा, लेकिन वो पर्टिकुलर वाले फाइंड करने जो एक्सट्रीमाइज कर रहे हैं आपके फंक्शन को, ठीक है, ये हमारे पास मेन इसमें एम है, ठीक है, किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम का ये एम होता है, ठीक है। ओके, अब ये करना कैसे है ये भी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इससे पहले एक दो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो इससे रिलेटेड हैं, सॉल्यूशन से रिलेटेड हैं, उसकी थोड़ी मैं डिटेल में जाऊंगा। कि अब ये जो प्रॉब्लम था ना मेरे पास इसको करने का, लीनियर प्रोग्रामिंग का जो मैंने प्रॉब्लम इन जनरल लिखा था, उसको हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, और ये क्यों लिख रहे हैं, इसके कंप्यूटेशनल एडवांटेजेस हैं इसके बहुत सारे। अभी थोड़ी देर में, आज तो शायद नहीं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जब हम एक्चुअली इसको सॉल्व करने जाएंगे अल्जेब्राइक मेथड से, तो वहां पे हमें पता चलेगा कि इस फॉर्म में लिखने का प्रॉब्लम से हमें क्या एडवांटेज मिलता है। तो अब मैंने क्या कहा है, देखें आपका मैट्रिक्स ए था ना, मैट्रिक्स ए के कॉलम्स हैं, ठीक है, उसके कितने कॉलम्स हैं इतना मैटर नहीं करता अभी, लेट्स से उसके मे बी एन कॉलम्स, कैपिटल एन है, स्मॉल एन नहीं है, स्मॉल एन जो है वो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं स्मॉल एन में, जिसमें हम स्लैक वेरिएबल्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये इसमें स्लैक वेरिएबल्स भी इंट्रोड्यूस, इंक्लूडिंग स्लैक वेरिएबल्स, ठीक है, या डमी वेरिएबल, स्मॉल एन हम उन वेरिएबल्स को कहेंगे, लेकिन कैपिटल एन है, लेट्स से एन वेरिएबल्स हैं आपके फंक्शन, आपका जो मैट्रिक्स है उसके एन कॉलम्स हैं, ठीक है, n कॉलम्स हैं, पहले कॉलम को p1 में कह रहा हूँ, दूसरे कॉलम को मैं p2 कह रहा हूँ, और लास्ट कॉलम को pn कह रहा हूँ। अब मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, आपको पता है ना कि पहला कॉलम जो है वो वेरिएबल x का होता है, दूसरा x1 का होता है, दूसरा कॉलम वेरिएबल x2 का होता है, और इसी तरह nth कॉलम जो है वेरिएबल xn का होता है। तो आपने a से मल्टीप्लाई करना है x को, तो x1 को p1 से मल्टीप्लाई कर दें, x2 को p2 से मल्टीप्लाई कर दें, अप टू सो ऑन xn को pn से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात। और जो मेरे पास बी कॉलम है उसको मैंने पी नॉट कह दिया, ठीक है, तो ये एक उसी प्रॉब्लम को लिखने का एक और वे है बेसिकली, ठीक है, तो उसी प्रॉब्लम को लिखने का एक और वे है, लेकिन क्यों लिख रहे हैं, मैं आपको जैसे भी बताया कि इसका एक कंप्यूटेशनल एडवांटेजेस हैं, जब हमने मे बी मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि हमने कुछ बेसिस फाइंड करनी होगी, अब लीनियर अलजेब्रा से बेसिस से आपको रिलेशन होपफुली पता चल गया होगा, वैक्टर्स हैं कुछ, बेसिस होंगी कुछ, इस तरह की चीज़ें हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर तक होपफुली अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो इसको थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा भी आपको रिवाइज करना चाहिए, मैं आपको थोड़ी डिटेल बताऊंगा, लेकिन लीनियर अलजेब्रा अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। ओके, तो अब मेरे पास ये प्रॉब्लम है, अब ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम ये बन गया, ठीक है,
वही सेम प्रॉब्लम है, उसी को हम उठा के डिफरेंट फॉर्म्स में लिख रहे हैं. कोई नई चीज इसमें हमने इंट्रोड्यूस नहीं की है, उसी प्रॉब्लम की ये एक डिफरेंट फॉर्म है. दैट्स इट, ठीक है, इतना ही है ना, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है इसमें. ओके, सो अब इसको मैं अगर थोड़ा सा और आगे लेके चलूं, तो एक डेफिनेशन है मेरे पास, कॉन्वेक्स सेट. कॉन्वेक्स सेट बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. जितने भी हम प्रॉब्लम्स बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग के सॉल्व करेंगे, वो कॉन्वेक्स सेट उनकी डोमेन्स बनाती हैं, अगर आप मैं ये कह सकूं. तो जो उनके रीजन्स होंगे वो सब कॉन्वेक्स सेट्स होंगे. तो ये बेसिकली मैं कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है. क्या है? अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ क्लोज रीजन आर, क्लोज रीजन है मतलब उसकी बाउंड्री इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, वो एक कॉन्वेक्स सेट होगा इफ एनी टू पॉइंट्स x1 एंड x2 कंटेन इन आर, इफ फॉर एनी टू पॉइंट्स. अब मैं इसको आप डेफिनेशन मैं आप बाद में पढ़ देता हूँ, ये आपको एग्जांपल देता हूँ. ये आपके पास एक सेट है, ठीक है, ये ओवल शेप है. अब इसमें एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट x1 और x2, ठीक है. इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में अगर एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूँ ना, तो ये सारी की सारी लाइन, ये रीजन आर है तो इसके दो पॉइंट्स हैं, ये सारी की सारी लाइन भी इसी के अंदर कंटेन कर रही है, ऐसे ही है ना. अब यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ये x1 ले लूँ, ये यहाँ पॉइंट x2 ले लूँ, इन दोनों को आपस में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूंगा तो इसी के अंदर आएगी. इसी तरह यहाँ पे ये पॉइंट x2 ये है, x1 पॉइंट ये है, इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो ये ऐसे ही है ना, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूंगा तो ये इसी के अंदर आएगी, रीजन के अंदर, ठीक है. तो अब ऐसा रीजन जिसके अंदर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें स्ट्रेट लाइन से, किसी भी दो पॉइंट्स को, तो वो जो स्ट्रेट लाइन है, जो भी स्ट्रेट लाइन उन दोनों को ज्वाइन कर रही है, वो उसी रीजन के अंदर, पूरी पूरी लाइन उसी रीजन के अंदर कंटेन होनी चाहिए. अब इसकी मैं एक और एग्जांपल अगर आपको दूं, अगर लेट्स से मेरे पास इस तरह का एक सेट है, ये भी तो क्लोज रीजन है, क्लोज रीजन है ना, सारी बाउंड्रीज की इंक्लूडेड है. अब एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ x1, एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ x2, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें, कौन सी स्ट्रेट लाइन इन दोनों को ज्वाइन करेगी? ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों को ज्वाइन करेगी. अब ये देखें, ये दो पॉइंट्स हैं, इसके दरमियान में ये वाला जो रीजन है, इसको स्ट्रेट लाइन ज्वाइन की, तो ये जो पॉइंट्स हैं सारे ये लाइन के ऊपर हैं लेकिन इस रीजन से बाहर हैं. तो कॉन्वेक्स सेट में ऐसा नहीं हो सकता है. कॉन्वेक्स सेट में जो भी दो रीजन रीजन आप लेंगे, उनको ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स जो हैं, पूरी लाइन, पूरी की पूरी लाइन उसी रीजन के अंदर कंटेन करनी चाहिए, ठीक है. तो अब यही बात मैं यहां लिख रहा हूं कि एक रीजन है क्लोज रीजन आर, उसके पॉइंट्स को हम कॉन्वेक्स सेट बनाएंगे. अगर उसके कोई से दो पॉइंट x1 और x2 ले लें जो आर के अंदर हो, और कोई भी लाइन इन दोनों को कनेक्ट कर रही हो, तो इस लाइन के सारे पॉइंट्स जो हैं वो भी आर के अंदर ही लाई करने चाहिए, ठीक है. और इसको मैथमेटिकली लिखना हो, तो अगर x1 और x2 दो पॉइंट्स है ना, कोई से दो पॉइंट्स हैं आर के अंदर, तो अगर x1 और x2 से जो मैं नए पॉइंट्स बना रहा हूँ, बीटा टाइम्स x1 प्लस 1 माइनस बीटा टाइम्स x2, बीटा जो है वो 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू है, तो आप अगर लीनियर अलजेब्रा से इसको रिलेट करें, तो x1 और x2 का लीनियर कम्बिनेशन से जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं तो उन दोनों का लीनियर कम्बिनेशन एक लाइन बनाती है, ये आप याद रखिएगा. तो इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन से जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं एक्स, वो सब भी उसी के अंदर, उसी रीजन के अंदर कंटेन होने चाहिए. अब ये जो लीनियर कम्बिनेशन मैं ले रहा हूँ, इसमें बीटा की जो वैल्यूज हैं ये 0 और 1 के दरमियान होनी चाहिए, तो ये बहुत स्पेशल लीनियर कम्बिनेशन होता है, इसको हम कॉन्वेक्स लीनियर कम्बिनेशन भी कहते हैं, ये आगे आ रहा है इसकी डिटेल. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, तो हम कहते हैं कि वो जो रीजन है, वो जो उसके पॉइंट्स हैं, वो एक कॉन्वेक्स सेट है. इसकी एक दो ऐसी ग्राफिकल और एग्जाम्पल्स अगर आप देखना चाहें, तो अगर मेरे पास इस तरह का एक सेट हो, लेट्स से ये एक सेट है, ठीक है, ये एक सेट है, ओके. अब ये वाला सेट कॉन्वेक्स सेट है या नहीं? आप एक पॉइंट यहाँ ले लें, एक पॉइंट यहाँ ले लें, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करें, लाइन जो है वो रीजन से बाहर चली जाएगी, ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है. अब अगर आप सर्कल ले लें, सर्कल सिंपल है, ठीक है, ये सर्कल होना चाहिए पूरा. अब इस सर्कल के कोई से दो पॉइंट्स हैं, ये कॉन्वेक्स सेट बनाएगा, ठीक है. सिर्फ यही कॉन्वेक्स सेट्स नहीं होते, लेट्स से मैं R2 में एक रीजन ले लेता हूँ, ये इस तरह का रीजन है, ठीक है, और ये इस रीजन को कंसिडर करें अगर आप, तो मे बी दो लाइन्स यहाँ कंसिडर कर लें, एक लाइन
ऐसे मूव हो रही है, स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन यहाँ से स्ट्रेट लाइन मूव। तो मैं इस रीजन की बात कर लेता हूँ, लेट्स से ये वाला रीजन है। अब ये वाला रीजन जो है ना, ये रीजन भी कॉन्वेक्स रीजन है। इसमें इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये ट्राइंगुलर सा रीजन है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स रीजन। इसमें आप कोई से दो पॉइंट्स लें, यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, यहाँ पे पॉइंट ले लें, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन। सो बेसिकली आपने जब भी दो स्ट्रेट लाइन्स, दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, तो वो सारी की सारी स्ट्रेट लाइन इसी सेट के अंदर कंटेन होनी चाहिए, तब ये कॉन्वेक्स सेट होगा। अगर कोई भी पॉइंट बाहर चला जाता है तो इसका मतलब वो कॉन्वेक्स सेट नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो कॉन्वेक्स सेट हो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास इसमें बात है, इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। आई एम श्योर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, कि आप उसके कोई से दो पॉइंट्स कंसिडर करें, उन दोनों को आपस में ज्वाइन करें किसी स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो वो पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन जो है वो उसी में होनी चाहिए। या मैथमेटिकल डेफिनेशन हमने ये कही थी कि इसके सारे लीनियर कॉम्बिनेशन x1, कोई से दो पॉइंट्स x1 x2, उन सब के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसी में होने चाहिए। और लीनियर कॉम्बिनेशन में जो हम उसके स्केलर्स ले रहे हैं वो जीरो और वन के दरमियान होने चाहिए बेसिकली, ठीक है। स्केलर्स जितने भी हैं वो जीरो और वन के दरमियान होने चाहिए। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट सेट होते हैं, इनके बहुत बहुत ज़बरदस्त फीचर्स होते हैं कॉन्वेक्स सेट्स के, जो हम ऑप्टिमाइजेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, सो अब इसी डेफिनेशन को थोड़ी सी एक दो इसके अंदर रिमार्क्स हैं और उसकी मैं बात करता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, सो मैंने अभी आपसे कहा था कि ये कॉम्बिनेशन जो है x1 और x2 दो पॉइंट्स है ना, उनका ये लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने लिखा हुआ। और लीनियर कॉम्बिनेशन थोड़ा स्पेशल है, इसके ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये जो बीटा और 1 माइनस बीटा, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों 0 और 1 के दरमियान है। तो ये थोड़ा स्पेशल लीनियर कॉम्बिनेशन है। इस लीनियर कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है ऑफ x1 एंड x2, ठीक है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू पॉइंट्स, ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2। सो अगर x को इन दोनों के कॉम्बिनेशन में मैं लिख सकता हूँ, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि मैं x जो है x1 और x2 का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। तो अगर कोई सेट कॉन्वेक्स होता है तो कोई से दो एलिमेंट्स का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन उसी के अंदर लाई करना चाहिए। कोई से दो एलिमेंट के जितने भी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है वो सब के सब उसी रीजन के अंदर लाई करने चाहिए, अगर वो रीजन एक कॉन्वेक्स रीजन है या वो सेट एक कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है। तो इफ अ पॉइंट ऑफ अ कॉन्वेक्स सेट कैन नॉट बी रिटन एज अ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू अदर पॉइंट्स, सच पॉइंट इज नोन एज एन एक्सट्रीम पॉइंट। अच्छा, अब ये बहुत जबरदस्त बात है। अब ये देखें, ये मेरे पास एक रीजन है ना, ये वाला रीजन है एक, ठीक है, इसमें ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैंने देखना है, तो ये वाला पॉइंट इसकी बाउंड्री के अंदर है ना, इसके ऊपर कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो अब इस पॉइंट को मैं इस रीजन के किसी भी पॉइंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकता। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, इसको आप एक्सट्रीम पॉइंट करें, ये कॉन्वेक्स के अंदर ही है, मतलब इसको मैं किसी भी और पॉइंट से ज्वाइन करूँ, ये बाउंड्री से ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन ये वाला पॉइंट खुद जो है ना, ये रीजन के इंटीरियर में नहीं है। तो ये वाला पॉइंट जो है, इसके दोनों पॉइंट्स के, कोई और दो पॉइंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। तो इस पॉइंट को मैं कहता हूँ ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है। जो भी पॉइंट आपके पास दो कॉन्वेक्स रीजन का कोई पॉइंट, अगर दो पॉइंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता, तो उसको हम कहते हैं इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। तो यूजली जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं किसी रीजन के, वो उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें बात है कि अगर कोई पॉइंट आपका कॉन्वेक्स रीजन का दो पॉइंट्स, कोई से और दो पॉइंट्स के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता, तो हम उसको कहते हैं कि ये अब एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, ठीक है। और ऐसा रीजन जो क्या है, जो कंटेन करता है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट, इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन। देखें, मेरे पास x1, x2 अप टू सो ऑन xn फाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है। इनके सारे कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन कंसिडर कर लें, इसके सारे कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होंगे, म्यू वन एक्स वन प्लस म्यू टू एक्स टू प्लस सो ऑन प्लस म्यू एन एक्स एन। तो ये सब, लेट्स से इसको एक्स कह देता हूँ, ये सब
के सब कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन इसके कंसिडर कर लें। अब ये म्यू वन म्यू टू जो है ये कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन में ये सब बिटवीन जीरो एंड वन होते हैं ना, तो बेसिकली जीरो इज लेस देन म्यू आई इज लेस देन वन। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि इनका जो सम है सम ऑफ ऑल म्यू आई शुड बी इक्वल टू वन। यहाँ पे देख लें बीटा प्लस वन माइनस बीटा शुड बी इक्वल टू वन, ये इक्वल टू वन है ना, तो ये दोनों पॉइंट्स जो है जीरो और वन के दरमियान होने चाहिए और बीटा और वन माइनस बीटा जीरो और वन के दरमियान है दोनों और इन दोनों का सम वन है। इसी तरह ये सारे के सारे जो यहाँ कम्बिनेशन में स्केलर्स अपीयर हो रहे हैं म्यू वन म्यू टू अप टू सॉन म्यू एन, ये सब के सब जीरो और वन के दरमियान होने चाहिए और इन सब का सम जो है वो वन के इक्वल होने चाहिए। तो ये फाइनाइट पॉइंट है, इनके सारे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ले लें, सारे के सारे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ले लें, तो जाहिर है ये पॉइंट्स बनी इन पॉइंट्स के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से रहे हैं, तो अगर ये पॉइंट्स इनके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से ही बन रहे हैं तो फिर इसका मतलब है ये वाला जो रीजन है ये कॉन्वेक्स रीजन होगा और इसको हम कहते हैं ये कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन है, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन है। इसी तरह कॉन्वेक्स पॉलीगॉन भी कहते हैं, एनगॉन, इस तरह की बहुत कॉन्वेक्स रीजन होते हैं जो बेसिकली इसके अंदर आपने कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन रखे हुए हैं, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन रखे हुए हैं एक फाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स के, सो एक्स वन एक्स टू अप टू सोन एक्स एन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, इसके सारे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से जो रीजन बन रहा है उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन। इसकी एग्जाम्पल्स आएंगी इंशाल्लाह। तो ये आपके पास बेसिकली कॉन्वेक्स सेट्स की कुछ थोड़ी सी डिटेल्स हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन जब हमें ये डिटेल्स चाहिए होंगी तो हम इंशाल्लाह इसकी मज़ीद बात करेंगे। तो कॉन्वेक्स सेट को डिफाइन करने का, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन को, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, इन चीज़ों को डिफाइन करने का मेन मकसद ये है कि जब ये आप लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो इनका जो रीजन बनेगा वो कॉन्वेक्स रीजन बनेगा, ठीक है। तो फिर बेसिकली हमारे पास और भी बहुत सारी बात होती है कि कॉन्वेक्स जो सेट्स हैं उनका इंटरसेक्शन भी कॉन्वेक्स होता है, तो ये जो रीजन्स हो डिफरेंट बनेंगे इनका आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वही वाला रीजन आप कंसिडर करेंगे ना, क्योंकि सारी की सारी कॉन्स्टेंट्स आपने लेनी होती हैं, तो उसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो भी कॉन्वेक्स रीजन आएगा। और फिर इस तरह मजीद हम इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने ग्राफिकल मेथड की बात करनी है। ग्राफिकल मेथड क्या है? इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक मेथड है। तो ग्राफिकल मेथड हमने बेसिकली फंक्शन लेना है, उसके कॉन्स्टेंट्स लेने हैं, उसके ग्राफ्स को कंसिडर करना है, लीनियर फंक्शन होगा उसकी लीनियर कॉन्स्टेंट्स होंगी, उसके ग्राफ को कंसिडर करना है और फिर देखना है हमने कि हमारे पास जो फंक्शन है उसका मैक्सिमम या मिनिमम कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एम है, ओके। अब ये मैंने बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट किया, वाई इज इक्वल टू सी एक्स में ले रहा हूँ, तो सी ग्रेटर देन जीरो है और एक्स जो है वो जीरो और बी के दरमियान है बेसिकली। तो अगर मैं इस रीजन को प्लॉट करना चाहूँ, ये बहुत आसान है ना, ये तो हम कर सकते हैं प्लॉट। तो अगर मैं कहूँ कि एक्स ये है, ये वाई है, ये जीरो है जाहिर है, और बी एक्स बी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, ये बी है और ये वाई इज इक्वल टू सी एक्स, एक स्ट्रेट लाइन होगी ना, तो सी उसकी स्लोप है, तो मैं कहता हूँ ये y इज इक्वल टू सी एक्स है, ठीक है, y इज इक्वल टू सी एक्स ये लाइन, और ये आपके पास बेसिकली हो गया रीजन, ये जीरो से b के दरमियान रीजन आपका, ठीक है, c ग्रेटर देन जीरो। अब इस स्ट्रेट लाइन को देखें, इसका मैक्सिमा या मिनिमा जो है, मिनिमा तो जीरो के ऊपर है, वो भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, बाउंड्री पॉइंट है, इसका जो मैक्सिमा है वो भी जो है वो b के ऊपर है जो कि इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो अब ये कैलकुलस के थ्रू तो हम इसका मिनिमा या मैक्सिमा फाइंड नहीं कर सकते ना, ये कर सकते हैं, अगर आप ट्राई करें कोशिश करें तो आप जाहिर है कहते हैं सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, तो वो हो जाएगा सी, और सी को आपने जीरो के इक्वल लेना है, तो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, अब सी जीरो तो नहीं हो सकता, हमने तो कहा सी ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब है हम कैलकुलस के थ्रू इसका जो है मैक्सिमा मिनिमा फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन ये सरप्राइजिंग बात नहीं है ना, जाहिर है हमें पता है कि इसका मैक्सिमा मिनिमा अगर तो बाउंड्री के ऊपर होगा तो कैलकुलस से हम सॉल्व बेसिकली नहीं कर सकते ना, फिर तो बाउंड्री पॉइंट्स के ऊपर हमने इवेल्युएट ही करना होता बस। तो जो कैलकुलस का मैक्सिमा या मिनिमा है वो हम बेसिकली इंटीरियर पॉइंट के ऊपर फाइंड करते हैं, तो इसका जो मैक्सिमा मिनिमा है इस फंक्शन का, इस पर्टिकुलर फंक्शन का, वो इसके बाउंड्री पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो के ऊपर इसका मिनिमा है और बी के ऊपर इसका मैक्सिमा है, ठीक है, ऐसे ही है ना, ओके। सो ये आपके पास एग्जांपल है एक फंक्शन की,
जिसका आप मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलस के थ्रू फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन आप सिंपल ग्राफिकल मेथड लगाएं तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको आराम से फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा। तो ये ग्राफिकल मेथड से बहुत ही माइन्यूट सिंपल एग्जांपल से आप ग्राफ देके फंक्शन का उसका मैक्सिमम मिनिमम बेसिकली बताएंगे, ठीक है। तो अब इसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स भी ऐसा नहीं थी, लेकिन कॉन्स्टेंट्स होंगी रीजन के ऊपर तो फिर क्या होगा, और फिर कॉन्स्टेंट लेस देन इक्वल टू की होंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू की होंगी, उसको जब हम सामने रखेंगे फिर उसके अंदर फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल होगी जिसमें इतनी कोई खास टेक्निकल बात नहीं थी। अब हमारे पास ये एक और एग्जांपल है फंक्शन की, ये मैं ले रहा हूँ y इज इक्वल टू y नॉट माइनस सी वन एक्स वन माइनस सी टू एक्स टू, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल एग्जांपल है फंक्शन की। अब ये देखें इसमें हमारे पास सबसे पहली बात यह है कि ये जो वैल्यूज हैं वाई नॉट सी वन और सी टू, इन सब की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अब अगर मैं इस रीजन इसको प्लॉट करता हूँ ना, तो मेरे पास ये इस तरह का एक प्लेन बनेगा। ज़्यादा आप प्रिसाइज प्लॉट अगर चाह रहे हैं तो इसको आप किसी कंप्यूटर प्रोग्राम से प्लॉट करेंगे तो आपको प्रिसाइज इसका प्लॉट मिल जाएगा कि ये कैसे प्लॉट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंडीशन लगाऊँ y नॉट c1 c2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये बेसिकली आपके पास ये शेडेड रीजन में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। ओके, अब ये मेरे पास एक्स वन है, ये एक्स टू है, ये एक्स थ्री है, इसको आप ऐसे समझें कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, फॉर एग्जांपल ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस है। अब इसमें आप ये वाला, ये जो पूरा रीजन मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ, ये फंक्शन वाई है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। जब एक्स वन जीरो होता है तो फिर यहाँ पे इसके ऊपर ये पॉइंट है, एक्स वन की वैल्यू होगी जो हमने फाइंड करनी है, लेकिन x1 के ऊपर x2 भी जीरो होता है और x3 भी जीरो है, ठीक है। तो ये तीनों इस केस में जीरो हो जाएंगे, तो y भी बेसिकली इसमें जीरो हो जाएगा। और इस तरह इस प्लेन के ऊपर आप देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है, इस ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। x1 और x2 यहाँ पे दोनों जीरो हैं, तो ये y नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये लाइन हम मैंने यहाँ स्पेशली लिखी हुई है, ये लाइन अगर आप देखें तो इस लाइन की क्वेश्चन क्या होगी, ये लाइन पास कर रही है वाई नॉट सी वन और वाई नॉट ओवर सी टू से, तो इसकी क्वेश्चन अगर आप फाइंड करने जाएं तो आप आई एम श्योर आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ये इसकी क्वेश्चन आ रही है इस लाइन की, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, वन ओवर सी टू इन टू वाई नॉट माइनस सी वन एक्स वन, ठीक है, ये इस लाइन की क्वेश्चन है। अब इसका मैक्सिमा देखें, इस फंक्शन का मैक्सिमा कहाँ होगा, ये c1 भी पॉजिटिव है, c2 भी पॉजिटिव है, इसमें से जो वैल्यूज आप सब्ट्रैक्ट करेंगे वो y0 को कम करेंगे, y0 पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका मैक्सिमा आप देख लें इस रीजन के अंदर, ये y0 इसका मैक्सिमा लग रहा है, ठीक है, ये इसका मैक्सिमा, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू इसकी फंक्शन की यहाँ पे ये देखें, ये मैक्सिमम वैल्यू इस रीजन के अंदर कोई भी नहीं है, इसकी y0 इसकी बाउंड्री के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, मिनिमम वैल्यू आपकी इस लाइन के ऊपर होगी, ऐसी ना, ये सबसे नीचे है ना लाइन, इसी के ऊपर आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो अब जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम इस फंक्शन का वो है वाई नॉट, वो भी बाउंड्री पॉइंट के ऊपर है। फिर इसी तरह इसका जो मिनिमम है, मिनिमम कहाँ लाई करता है, मिनिमम लाइज ऑन इस लाइन के ऊपर, एक्स टू इज इक्वल टू वन ओवर सी टू इंटू वाई नॉट माइनस सी वन एक्स वन, ठीक है। तो मिनिमम यहाँ लाई करता है, मिनिमम भी फिर अगेन बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा है, मैक्सिमम भी बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये अगेन एक एग्जांपल है प्रॉब्लम की जो हम कैलकुलस से सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ग्राफिकल मेथड से हम देख के बता सकते हैं कि इसका मैक्सिमम कहाँ पे होगा, इस फंक्शन का मिनिमम कहाँ पे होगा। तो ये ग्राफिकल मेथड कोई ऐसा टेक्निकल चीज़ नहीं है बहुत ज़्यादा, हमने जस्ट फंक्शन देखना है, उसके रीजन और उसकी कॉन्स्टेंट्स का ग्राफ बनाना है, और फिर देखना है फंक्शन की उसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और फंक्शन की उसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम और करते हैं, फिर शायद हमें आज का ये टॉपिक क्लोज करना पड़े, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमने इसका फुल फ्लैज जो प्रॉपर मेथड है इसको सॉल्व करने का उसकी बात करनी है। जितनी भी हमें डिटेल चाहिए थी लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स की वो हमने अभी डिस्कस कर ली है, तो जो इसका मजीद अब सिर्फ सॉल्यूशन की बात रहेगी वो इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट लेक्चर में उसकी बात करनी है। ओके, सो इसकी एक और एग्जांपल हम देखते हैं, ये एग्जांपल है मेरे पास ग्राफिकल मेथड थ्री की, ये एग्जांपल हमने करनी है।
देखते हैं कि आपके पास मैक्सिमाइज करना एक लीनियर फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू, और एक्स वन एक्स टू जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो है जाहिर है, और इसके ऊपर दो कॉन्स्टेंट्स हैं। दो कॉन्स्टेंट्स क्या हैं? एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू सिक्स, ठीक है, और दूसरी कॉन्स्टेंट क्या है? टू एक्स वन प्लस एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू एट। ये दोनों आपकी कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। अब आप इस रीजन को अगर प्लॉट करें तो ये एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू सिक्स की लाइन है ना, तो ये इसका इंटीरियर सारा रीजन इंक्लूड हो जाएगा ना, ये वाला भी पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा, तो ये वाला भी यहाँ पे ये पोर्शन भी इंक्लूड हो जाएगा एक्स वन प्लस टू एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू सिक्स में। फिर अगर आप टू एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू एट करेंगे तो ये वाला रीजन सारा और ये वाला सारा रीजन भी इसमें इंक्लूड होगा, ऐसे है। फिर आपने दोनों इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स को एक साथ कंसिडर करना है, जब आप एक साथ कंसिडर करेंगे तो जाहिर है फिर इन दोनों का कॉमन रीजन जो इंटरसेक्शन रीजन है जो इन दोनों के केस में हाईलाइट हो रहा है वो रीजन कंसिडर करेंगे और बाकी को हम अरेज कर देंगे, तो ये वाला रीजन इसमें इंक्लूड नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये वाला रीजन इंक्लूड नहीं होगा और इसी तरह ये वाला रीजन भी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो जो बेसिकली रीजन हमारे पास बनेगा वो ये वाला रीजन है, ठीक है। इस रीजन की अगर हम थोड़ा सा इसको बेहतर करके लिखें तो जो आपकी इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स आपको रीजन दे रही हैं वो कौन सा रीजन दे रही हैं, वो आपको ये वाला रीजन मिल रहा है, ये वाला कंप्लीट रीजन जो है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला रीजन आपके पास इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये रीजन आता है, ये कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी हैं इसके, ओके। तो अब जाहिर है ये वाला रीजन, ये बाउंड्री क्यों इंक्लूड हो रही है, क्योंकि x1 और x2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो x1 यहाँ पे पॉजिटिव है और सॉरी x2 यहाँ पे पॉजिटिव है और x1 इस साइड पे ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अब ये सब तरफ से ये बाउंडेड रीजन है, क्लोज रीजन है, ठीक है, सब तरफ से बाउंड्री इसकी इंक्लूडेड है, और ये क्लोज रीजन है, ये ऐसा क्लोज रीजन है जो एक कॉन्वेक्स सेट बना रहा है, ऐसा क्लोज रीजन है जो एक कॉन्वेक्स सेट बना रहा है। हमने रीजन बनाया है एक लीनियर प्रोग्रामिंग के कॉन्स्टेंट से, लेकिन उसके जो रिजल्टिंग रीजन आ रहा है वो एक कॉन्वेक्स सेट है, और ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन शेप है जो कि इस तरह की शेप आपके पास बन रही है। अगर थोड़ा सा हम इसको बेहतर तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करें तो शायद आपके पास कुछ इस तरह से शेप बन रही है, मे बी ये कुछ इस तरह से, ये रीजन है, इस तरह कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। इसके अंदर आप कोई से दो पॉइंट्स लेंगे ना तो आपके पास कोई से दो पॉइंट्स इसमें कंसिडर करें, उनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो भी इसी के अंदर लाई करेगी, ठीक है, इससे बाहर नहीं हो सकती है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि जब भी आप कॉन्स्टेंट्स कंसिडर करते हैं किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की तो उससे जो रिजल्टिंग रीजन आता है वो हमेशा आपके पास एक कॉन्वेक्स रीजन बनता है, ठीक है। जब भी रिजल्टिंग रीजन आएगा आपके पास वो हमेशा एक कॉन्वेक्स रीजन बनेगा, तो इस केस में भी ये वाला रीजन हमारे पास एक कॉन्वेक्स रीजन बन रहा है, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम के फिजिबल सॉल्यूशंस क्या होंगे, ऐसा कोई भी पॉइंट जो इस रीजन के अंदर लाई कर रहा है वो इसका एक फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है, वो इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करेगा ना। ऐसा कोई भी पॉइंट जो इस रीजन के अंदर लाई कर रहा है वो पॉइंट इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करेगा और वो इसका एक फिजिबल सॉल्यूशन होगा इस लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम का। अब ये जो इसका फिजिबल सॉल्यूशन हमारे पास आएगा, हम सब फिजिबल सॉल्यूशंस पे इंटरेस्टेड नहीं है, हम उन फिजिबल सॉल्यूशंस में इंटरेस्टेड हैं जो इस फंक्शन को भी मैक्सिमाइज करते हैं। तो अब ये जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एक्स वन प्लस एक्स टू, उसको आपने मैक्सिमाइज करना है इस फिजिबल रीजन के अंदर। तो इसको हम करने के लिए इसको भी हम ग्राफिकली कर सकते हैं कि ये जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको आपने मैक्सिमाइज कर देना है इस फिजिबल रीजन के अंदर। तो आप बेसिकली आप ये वाला फंक्शन प्लॉट करें और इस फिजिबल रीजन में इसके प्लॉट्स फाइंड करें और देखें कौन सा मैक्सिम वैल्यू आपको दे रहा है। ये इंशाल्लाह इसकी और एक दो एग्जाम्पल्स नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा कि आपके पास कॉन्वेक्स रीजन गिवन है जो आपकी कॉन्स्टेंट से बन रहा है और उस रीजन के अंदर सारे फिजिबल पॉइंट्स आपको ज़ाहिर पता चल गए, जो भी इसके अंदर पॉइंट्स आ रहे हैं वो फिजिबल पॉइंट्स हैं। अब उन फिजिबल पॉइंट्स में से मैक्सिमम वाला पॉइंट कौन सा है और मिनिमम वाला पॉइंट कौन सा है जो भी आप उस केस में फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उस रीजन के अंदर हम इंशाल्लाह फिर मैक्सिमम और मिनिमम वाले पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, तो थोड़ी सी आज के लेक्चर की समरी और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर पे में इसकी इसी की डिटेल्स को टेकअप करेंगे इंशाल्लाह।
ओके सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को दोबारा देखा कि कैसे उसको हम लिख सकते हैं, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम क्या होता है कि एक आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जो हमेशा लीनियर होगा और उसके साथ जितनी भी कॉन्स्टेंट्स होंगी वो सब की सब लीनियर कॉन्स्टेंट्स होती हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि कॉन्स्टेंट्स इक्वालिटी की भी हो सकती हैं, इनइक्वालिटी की भी हो सकती हैं। हमने कहा कि हम कुछ डमी वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके, कुछ स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके आपकी इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स को इक्वालिटी कॉन्स्टेंट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट को हम इक्वालिटी कॉन्स्टेंट बना सकते हैं। तो जो भी आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम होगा वो अब हमारे पास इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट की बजाय इक्वालिटी कॉन्स्टेंट के साथ आ जाएगा। तो वो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स आप इंट्रोड्यूस कर दें, अगर लेस देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट है तो उसमें कुछ ऐड करके आप इक्वालिटी बना सकते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट है तो उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करके आप इक्वालिटी कॉन्स्टेंट बना दें। तो अब आपके पास हर लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम जो है वो एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन और उसके ऊपर कुछ इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स होंगी। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, आपके पास सारी इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये आपके पास जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम बन जाएगा। अब इसको आपने सॉल्व करना है, इसके सॉल्यूशन का क्या मतलब है, एक फिजिबल सॉल्यूशन हम कहते हैं जो सारी की सारी कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करता है। ये इसका फिजिबल पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है जो सारी की सारी कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करता है। तो वो सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, उन फिजिबल सॉल्यूशंस में वो वाला सॉल्यूशन जो आपके फंक्शन को भी मैक्सिमाइज कर देता है तो उसको हम कहते हैं मैक्सिमम फिजिबल सॉल्यूशन है, और जो आपके फंक्शन को मिनिमाइज कर देता है वो आपका मिनिमम फिजिबल सॉल्यूशन है। तो जितने भी लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि हमने मैक्सिमम फिजिबल सॉल्यूशन या मिनिमम फिजिबल सॉल्यूशन जो भी हमें चाहिए वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने कॉन्वेक्स सेट की बात की और कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन्स की बात की, और फिर हमने ये कहा कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है तो उसके जो रीजन है वो यूजुअली कॉन्वेक्स रीजन बनता है, हमेशा कॉन्वेक्स रीजन बनता है। तो हम उसको कॉन्वेक्स रीजन को कंसिडर करके और फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेके दोनों का आपस में रिलेशन से हम मैक्सिमा या मिनिमा फेजिबल सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करेंगे, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा कोर मेथड है इस एरिया का सिंप्लेक्स मेथड उसकी भी बात करेंगे इंशाल्लाह। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिटेल्स को टेकअप करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन, एंड होपफुली आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।